Hello students, how are you? All is well. So let us start our class. So students, have you remember what we did in our last class? What we have done? So I think we completed our drill work and also some difficult words, है ना? And I gave you some homework, means new words as a homework. So I hope आपने complete कर लिया होगा, आपने note down कर लिया होगा. Now this is turn to explain new words. आज मैं आपको new words explain करूँगी and we are going to do some exercise. So let us start. Students, just I told you, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला ना कि हमने last class में क्या किया था, difficult words लिखे. I hope आपने इसे note down किया होगा अपनी book में. और इसके अलावा भी आपको जो difficult words लगे होंगे उसे भी dictionary से search करके किया होगा. बेटा ये बहुत important है, this is very mandatory important, because आप ऐसे अगर dictionary से search करके ना करके पढ़ना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा नेक्स्ट आपके आगे की क्लासेस के लिए और अभी के लिए भी, है ना. सो जितने भी जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है आप उसे केयरफुली फॉलो करेंगे, है ना. अभी क्या है, चलिए हम मूव करते हैं. मैंने एज अ होमवर्क आपको ये न्यू वर्ड्स दिया गया था, न्यू वर्ड्स को आपको कॉपी में नोट डाउन करनी थी और हमने एक्सप्लेन नहीं किया था. सो अभी बिना एक्सप्लेन किया आपको लिखना थोड़ा तो टफ पड़ा होगा, बट आई होप कि आपने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है तो थोड़ा आपको नहीं कुछ नयापन सा लगा होगा, नए वर्ड्स पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई होगी, पर जब अभी हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है. सो लेट्स मूव नाउ न्यू वर्ड्स. हियर इज रिटन पुल्ड अवे. पुल्ड अवे, वैसे पुल मतलब क्या होता है, खींचना होता है ना. पुल्ड मतलब खींचा, दूर से खींचा, है ना. बट यहाँ पास ना पुल्ड अवे का मतलब है मूव्ड अवे, मतलब चला गया, मतलब निकल जाना. तो मूव्ड अवे मतलब चला जाना. जैसे बस की हम बोले पुल्ड अवे, मतलब वो पुल्ड अवे मतलब खींची नहीं बल्कि वो वहाँ से चली गई. एक्चुअली होता है पुल्ड, पुल का मतलब होता है खींचना, और पुल्ड मतलब खींचा हुआ, दूर से खींचे, है ना, दूर खींच लिया गया. दूर हम अपनी तरफ खींचने को पुल कहते हैं, पर यहाँ पास पुल्ड अवे का मतलब चली जाना होगा, मूव्ड अवे, दूर चली गई, ठीक है. ओके नेक्स्ट, स्नैप वंस फिंगर एट. स्नैप वंस फिंगर्स एट, एक अपनी स्नैप मतलब ऐसे फंसाना होता है ना. वंस एक किसी की उंगलियों में फंसना, मतलब किसी की उंगलियों में आना. टू मेक अ शॉर्ट साउंड बाय प्रेसिंग वंस मिडिल फिंगर अगेंस्ट दी थंब. स्नैप वंस फिंगर एट. स्नैप मीन्स होगा स्नैप वंस फिंगर सेट. स्नैप को मतलब फंसाना होता है, उंगलियों में फंसाना होता है, बट यहाँ पर स्नैप फिंगर वंस फिंगर्स एट, किसी की फिंगर्स का तड़कना, ऐसे चट से आवाज नहीं थी, उंगलियाँ फोड़ते हैं ना आप लोग, ऐसे ऐसे करके उंगलियाँ जो फोड़ते हैं चट से आवाज आती है, तो यहाँ पर तड़कना, तड़क की जो आवाज़ होती है उसको भी बोलते हैं स्नैप. तो स्नैप की यहाँ पर दो मीनिंग है, एक स्नैप को फंसाना होता है, उंगलियों में फंसाना, और एक स्नैप होता है, स्नैप का मतलब यहाँ पास क्या मीनिंग है, टू मेक अ शॉर्ट साउंड, छोटे सा आवाज, टू प्रेसिंग वंस मिडिल फिंगर, बीच उंगलियों को अगेंस्ट द थम, मतलब थम के जैसे, मतलब हम किसी चीज़ को में उंगलियों को फंसाएंगे. देखिए आपको इमेजिन कीजिए, कभी किसी चीज़ को आप उंगलियों में, जैसे लाइक ये कोई भी सामान है, आप इसको ऐसे उंगलियों में फंसाते हैं, बड़ा सामान है तो इसे फंसाएंगे, तो ये इसके दबाव की वजह से ऐसा मुड़ जाएगा, तो इसमें चट से आवाज आएगी ना, तो उसे कहेंगे स्नैप वंस फिंगर एट, मतलब उंगलियों के बीच को तड़कते हुए या फंसाते हुए. जब हेनरी रिप्सी को ऐसे फिंगर्स में फंसाया और शॉप के अंदर लेके गया, तब उसकी उंगलियां जो है इसके, मतलब ये थंब है हमारा जो अंगूठा है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दबी उंगलियां, और दबने की वजह से आवाज़ आई, तो उस आवाज़ को स्नैप वंस फिंगर एट बोल रहे हैं, है ना. और वैसे स्नैप का मतलब उंगलियों को बीच में फंसाना भी किसी चीज़ के बीच होता है, ठीक है. सो क्लियर, टू मेक अ शॉर्ट साउंड, अभी समझ आ रहा, मतलब कोई छोटा सा साउंड आना, प्रेसिंग वंस मिडिल फिंगर, बीच की उंगलियों को दबाने पर, अगेन दी थम, अंगूठे के विपरीत दिशा में, अंगूठे के विपरीत दिशा में उंगलियों को थोड़ा प्रेस करने से जो साउंड आता है उसे कहेंगे स्नैप वंस फिंगर एट, उंगलियों का तड़कना. समझ आया, क्लियर हुआ. ओके नेक्स्ट, लेट्स मूव इन नेक्स्ट. स्क्वीज थ्रू. स्क्वीज मतलब क्या होता है, निचोड़ना. स्क्वीज मतलब ऐसे निचोड़ना होता है, पर देखिए यहाँ पास ना स्टोरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस आ गया. स्क्वीज मतलब निचोड़ना होता है, थ्रू मतलब बीच में, तो बीच में निचोड़ना, तो अभी किसी इंसान को निचोड़ तो नहीं सकते, कपड़ा तो है नहीं, है ना, तो अभी क्या कर सकते हैं, स्क्वीज मतलब यहाँ
पे दब जाना होगा. एक्चुअली मीनिंग क्या होगा, किसी पर्सन के लिए किसी चीज़ों के बीच में दब जाना. अब वो कपड़े या कोई थिंग्स होता है उसको, मतलब जैसे कपड़े को हम नीचे ओढ़ते थे, स्क्वीज करना, मतलब या नींबू होता है ना, नींबू का रस को स्क्वीज करते हैं, नींबू को दबाते हैं तो उसका रस निकल जाता है. पर अगर यहाँ कोई पर्सन है वो क्राउड में फंसा हुआ तो वो दब जाएगा ना, नीचे ओढ़ तो सकते नहीं. तो इसका मतलब टू मेक वंस वे थ्रू अ क्राउड, टू मेक वंस वे, किसी को क्राउड के बीच में किसी को रास्ता बनाना, मतलब दबाकर रास्ता बनाना. कोई बहुत सारे क्राउड के बीच में कोई दबा हुआ होगा तो उसके लिए, मतलब अपने लिए, अगर मान लो बहुत सारी क्राउड है, सब लोग खड़े हैं ना, अब वहाँ पास कोई बच्चा या जैसे कि यहाँ से निकल रहा है तो इसके पीछे फंसा कर ऐसे दबाकर निकलेगा ना, उसे कहेंगे स्क्वीज थ्रू, उसको ऐसे मतलब क्राउड को ऐसे फाड़ते हुए दबाते हुए बाहर निकलना, जैसे कि यहाँ पास आपको दिख रहा है. ये एक बहुत सारे क्राउड के बीच में एक बेबी बाहर आ रही ना, इसको बोलते हैं स्क्वीज थ्रू. तो अभी क्लियर हुआ, टू मेक वंस वे थ्रू अ क्राउड, एक क्राउड के बीच में से बाहर निकलने का, दबा के रास्ता बनाकर बाहर निकलना, स्क्वीज थ्रू कहलाता है. ठीक है. क्रैकल, क्रैकल का मैंने अभी चैप्टर में क्या मीनिंग बताया था, चट चट की जो आवाज़ है उसे क्रैकल बोलेंगे. तो इसमें क्या लिखना है, कंटिन्यूस लगातार, शॉर्ट साउंड, छोटी सी साउंड, मतलब छोटी साउंड, लाइक अ साउंड ऑफ वुड बर्निंग, जैसा कि मतलब लकड़ियाँ जल रही हैं, ऐसा साउंड जिससे लगे कि लकड़ियाँ जल रही हैं, लगातार की आवाज़ जिससे ऐसा लगे जैसे आग लकड़ियाँ जल रही हो. तो मतलब कैसी आवाज़ होगी, चट 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 लकड़ियाँ जलती है ना, उसे कहेंगे इंग्लिश में क्रैकल. समझ आ रहा, क्या बोलेंगे, क्रैकल. लेट्स मूव नेक्स्ट, टिप्ड ओवर. टिप्ड ओवर मतलब ऐसे, टिप मतलब ऊपर होता है, टिप टिप है ना, और उसके ऊपर, ऊपर के ऊपर, तो टिप्ड ओवर, तो ऊपर के ऊपर गिरना मतलब किसी चीज़ के ऊपर गिर जाना, ऐसे उछलना. तो फॉल ओवर मतलब गिर जाना, फेल ओवर, फेल मतलब गिरना, किसी के ऊपर गिर जाना को ही टिप्ड ओवर कहते हैं. क्लियर. चकल, चकल मतलब होता है हंसना, खुलकर हंसना, है ना, हंसी मजाक होती है उसको चकल कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम लाफ भी कहते हैं, टू लाफ, हंसना. लेट ऑफ, लेट ऑफ मतलब होता है किसी को कुछ देना, पनिशमेंट टाइप का, है ना, कुछ पनिशमेंट हो तो लेट ऑफ, छोड़ दो, मतलब लेट्स गो लेट देम गो ऐसा बोलते हैं, उसे जाने दो, तो उसको जाने ना देना बल्कि उसे कुछ पनिश करना, तो उसे कहेंगे लेट ऑफ. टू गिव लिटिल और नो पनिशमेंट टू समवन फॉर डूइंग रॉन्ग, किसी को पनिशमेंट देना मतलब जैसे कि लेट ऑफ, छोड़ दो, जैसे बोलेंगे let them go, उसे उन्हें जाने दो, तो let them go की जगह हम बोलेंगे let off, इन्हें छोड़ दो. off मतलब छोड़ना, let off मतलब छोड़ दो. तो किसी भी को छोटी पनिशमेंट देकर, किसी भी गलत काम के लिए किसी को छोटी पनिशमेंट देकर या बिना पनिशमेंट के छोड़ देना को क्या बोलेंगे, let off. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपने बुक में से नोटबुक में आपने इसे नोट डाउन किया होगा. और देखिए अभी आप लोग फोर्थ स्टैंडर्ड में हैं, तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि आप हिंदी पे मीनिंग ना लिखें, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश लिखें और ट्राई करें. देखिए मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल, थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, पर अगर सब कुछ इजी वे पे हो जाएगा तो आप सीखेंगे कब, है ना. तो थोड़ी मुश्किल होगी तो आप करिए, मुश्किल होने दीजिए, बार बार डिक्शनरी सर्च में कीजिए, और आपको लिखना भी है तो पेंसिल से लिख लीजिए. पर वैसे तो आप पेंसिल से ही, क्लास फोर्थ स्टैंडर्ड में तो आप पेन से लिखते होंगे, तो आप अपनी नॉलेज के लिए पेंसिल से लिख रही है, बाद में उसे इरेज कर दीजिए. पर परमानेंट मत लिखिए हिंदी में, परमानेंट इंग्लिश टू इंग्लिश लिखिए, समझने की कोशिश कीजिए. देखिए टफ वर्ड्स को इजी वे पे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है इंग्लिश में, आपकी हैबिट अगर इंग्लिश टू इंग्लिश बनेगी तो ये अच्छा होगा, अगर आपको हिंदी इंग्लिश टू हिंदी करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, है ना. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई थिंकिंग, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रही हूँ, है ना. सो लेट्स मूव इन नेक्स्ट एक्सरसाइज. अभी आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्राई करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. थोड़ा टफ पड़ेगा पर आप लर्न करेंगे बार बार तो ये हो जाएगा. देखिए आज आप हिंदी से इंग्लिश टू हिंदी करने लगेंगे तो आपको लाइफ टाइम आप डिपेंडेड रहेंगे कि जब तक आप हिंदी लिखेंगे नहीं तब तक नहीं सीखेंगे. पर अगर कई चीज़ें क्या होती हैं, इंग्लिश की वर्ड को इंग्लिश में ही मीनिंग दिया होता है, मानते हैं सारी चीज़ें सबको पता नहीं होती, लेकिन इंग्लिश की मीनिंग अगर इंग्लिश में समझ जाओगे तो ज़्यादा बेटर है. आपकी वोकेबुलरी, आपका वर्ड बैंक बढ़ेगा, इन्हेंस होगा, आपकी वोकेबुलरी इन्हेंस होगी, वर्ड बैंक बढ़ेंगे, तो इससे आपकी प्रश्न, आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी,
है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश से पढ़ें। नहीं समझ में आता तो बार बार डिक्शनरीज में सर्च कीजिए, नो इशू, पर लिखेंगे नहीं, है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखेंगे। लेट्स मूव इन नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज वर्ड बिल्डिंग। यहाँ पास देखिए वर्ड बिल्डिंग में क्या दिया हुआ है, यहाँ पास एक बीच में वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके इजी वर्ड लिखना है, उसका डिफिकल्ट वर्ड्स लिखना है। अब आप लोग सोच रहे हैं ये क्या इजी वर्ड और डिफिकल्ट वर्ड। एक्चुअली क्या होता है इंग्लिश में और ज़्यादातर लैंग्वेज में क्या होता है, किसी भी एक वर्ग के लिए, एक वर्ग के लिए कई वर्ड होते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं और कुछ मीडियम साइज के होते हैं। तो जो मीडियम वर्ड्स है ना वो आपको लिख कर दे दिया गया है, इन्हीं वर्ड का जो जो इसकी मीनिंग है उसी को आपको इजी वे पे क्या बोलेंगे वो लिखना है और डिफिकल्ट वे पे क्या लिखना है वो लिखना है। अभी आप समझ पा रहे हैं, मीन्स वर्ड तो दिया हुआ है उसको पहले मीनिंग समझेंगे कि एक्चुअली वो वर्ड का मीनिंग क्या है, फिर उसको हम नॉर्मली उसी इंग्लिश में ही क्या बोलते हैं इजी वे पे और डिफिकल्ट वर्ड में क्या हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया है वर्ड चकल, चकल मतलब होता है हंसना, है ना, चकल जैसे हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था खुलकर हंसना, है ना, तो चकल का हम नॉर्मली क्या बोलते हैं हंसने को, लाफ कहते हैं, क्या कहते हैं, लाफ। और इसको एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं टिटर, तो टिटर इज ऑल्सो साइनोनेम्स ऑफ लाफ। साइनोनेम्स, अब आप लोग सोच रहे हैं क्या साइनोनेम्स मतलब होता है, सेम मीनिंग वाले, जिनका मतलब एक जैसा हो, वर्ड अलग हो पर मीनिंग एक जैसी हो। जैसे चकल मतलब हंसना, लाफ मतलब हंसना, टिटर मतलब हंसना, ये सब एक दूसरे के साइनोनेम्स है, समान अर्थ वाले शब्द, जिसको आप हिंदी में पढ़ेंगे समानार्थी शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमको साइनोनेम्स ही लिखना है, पर एक तरफ आपको इजी वर्ड लिखने हैं, एक तरफ डिफिकल्ट वर्ड्स लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं, थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप ट्राई करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, इसको तो मैं आपको बता दे रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हाल्ट, हाल्ट मतलब होता है रुकावट, किसी चीज़ की रुकावट होती है ना उसको हाल्ट कहते हैं। तो हाल्ट को हम रुकावट को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लॉक करना बोलते हैं ना, कि किसी चीज़ को हम रुकावट करना होता है तो उसे ब्लॉक कहते हैं। तो हम यहाँ पर ईजी वर्ड पर क्या लिख सकते हैं, बी एल ओ सी के, ब्लॉक, ब्लॉक मतलब रोकना या रुकावट करना, है ना, और हाल्ट का मतलब भी रुकावट करना होता है। अब इसको इंग्लिश और इससे ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड क्या है, ये तो मीडियम वर्ड है ना, उसके इंग्लिश में कहते हैं, और एक वर्ड होता है उसका साइनोनेम्स होता है गिम्पी, गिम्पी, गिम्पाई, गिम्पाई इज ऑल्सो अ साइनोनेम्स ऑफ हार्ट, ब्लॉक एंड गिम्पाई। नेक्स्ट है ग्रिम, ग्रिम मतलब होता है गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर, मतलब किसी को बहुत सोच समझ के करने वाले को ग्रिम, गंभीर, या फिर जो बहुत गहरे गहराई से सोचे उसे गंभीर कहते हैं, है ना, उसे कहते हैं ग्रिम। तो हम उसको गहराई से सोचने वाले को ज्ञान तो क्या बोलते हैं, डार्क बोलते हैं, हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, डार्क थिंकिंग कहते हैं ना, या कोई भी गहरा कलर है तो उसे डार्क कलर बोलेंगे। तो इसका नॉर्मल इजी वर्ड क्या होगा, डार्क होगा, डी ए आर के, डार्क, बहुत इजी वर्ड। और भी वर्ड्स हैं इसके, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा इजी वर्ड पे फोकस कर रहे हैं। ग्रिम मीन्स गंभीर, मतलब गहरा, जो गहरा हो उसे कहते हैं इंग्लिश में, हम लोग नॉर्मली नॉर्मल लैंग्वेज में इजी वर्ड पे लिखते हैं बोलते हैं डार्क, और उसी को थोड़ा और टफ वर्ड में देख बोलते हैं ड्रैब, क्या बोलते हैं, डी आर ए बी, ड्रैब, इज इट क्लियर, समझ आया, ड्रैब मीन्स गहरा, ग्रिम मीन्स गहरा और डार्क मीन्स गहरा, ठीक है। शीर, श्रिक, श्रिक मीन्स चीखना, किसी को चीखते हैं तो उसको श्रीक बोलते हैं, तो हम लोग चीखने को बोलते हैं क्या बोलते हैं, शाउट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, शाउट, डोंट शाउट, मत चीखो कहते हैं ना, तो ये उसका साइनोनेम्स हुआ, श्रीक का क्या साइनोनेम्स हुआ, शाउट। और इसका एक और साइनोनेम्स है जो डिफिकल्ट वर्ड में आएगा वो स्क्रीम, इसको स्क्रीम भी कहते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब होता है धागा, सुतली, जिसको हम सुतली बोले, चैप्टर में हमने पढ़ा ना धागा, ये वर्ड्स वही वर्ड्स हैं जो हमें चैप्टर में मिले हैं, और इसे हम सर्च करके लिखेंगे इनको हम इजी वे पे क्या बोलते हैं और डिफिकल्ट वे, मतलब इससे और ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए क्या हो सकता है, इसके हम साइनोनेम्स लिखते हैं, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड, साइनोनेम, ठीक है, मतलब साइनो नेम, साइनो एक जैसे नेम वाले, मतलब एक जैसे मीनिंग वाले, क्लियर
स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब होता है धागा या सुतली, है ना। तो धागा को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। तो हम यहाँ पर थ्रेड लिख सकते हैं। वैसे थ्रेड पतली धागा को बोलते हैं, थोड़ा मोटा रहता है उसको स्ट्रिंग कहते हैं, पर सेम थिंग है, थ्रेड ही बोल सकते हैं, इसको थ्रेड भी बोल सकते हैं, थ्रेड। और उसको एक और भी बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड। तो हम इसको डिफिकल्ट वर्ड में लिख लेते हैं, क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रेन, स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर्स बोलते हैं ना अजनबी, स्ट्रेंज मतलब अजीब, अजीब जो हो, स्ट्रेंज लगे, तो उसे कहते, अजीब को क्या बोलेंगे, स्ट्रेंज। तो हम अजीब या अनजाना जो हो उसे स्ट्रेंज कहते हैं, है ना। तो उसको और नॉर्मली लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं, याद आ रहा है, कुछ सोचिए क्या हो सकता है इसे नॉर्मल लैंग्वेज हम क्या बोल सकते हैं, अननोन, क्या बोलेंगे, अननोन, अनजाना, समझ आ रहा। तो हम इसके बोलेंगे अननोन, क्लियर। स्ट्रेंज का इजी वर्ड होगा अननोन, ये भी साइनोनिम्स है सेम मीनिंग वाला। और उसको वियर्ड भी बोलते हैं, अजीब, अननोन, अजीब, स्ट्रेंज, है ना। जो जाना पहचाना हो थोड़ा अलग लगे उसे वियर्ड, स्ट्रेंज और अननोन कहते हैं। स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरू करना, है ना, शुरुआत करना। तो उसको हम इंग्लिश में बिगिन भी कहते हैं, बिगिन, शुरुआत करना। एंड कॉमेंस कहते हैं, और एक वर्ड होता है इसके लिए, कॉमेंस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ, फ्राइटेंड मीन्स क्या होगा, डरा हुआ। तो आप भयभीत जिसे बोलते हैं, तो और क्या बोलते हैं डरने, डरा हुआ को स्केयर बोलते हैं ना, कितना स्केरी था वो सीन, कितना स्केरी थी वो मूवी, है ना। तो हम उसको नॉर्मली इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्केयर, डरा हुआ, है ना, स्केयर्ड या फ्राइटेंड का क्या होगा, स्केयर। और उसको स्टार्टल भी बोलते हैं, स्टार्टल, स्टार्टल, ये भी उसका साइनोनिम्स है। सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए जो मीनिंग है वो मैंने हिंदी में अभी आपको बता दिया है, चकल मीन्स हंसना, हार्ट मीन्स रुकावट, ग्रिम मीन्स गंभीर या गहरा, स्ट्रिक मतलब चीखना, स्ट्रिंग मतलब धागा या सुतली, स्ट्रेंज मतलब अजीब, थोड़ा अलग सा, और स्टार्ट मतलब शुरू करना, बिगिन करना, स्टार्ट करना, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ या भयभीत। तो अभी आपको क्लियर हो गया, सो यू हैव टू कम्प्लीट इट एज अ क्लास वर्क। ये दोनों को आपको क्लास वर्क के, अगर आपने ये वर्ड न्यू वर्ड्स नहीं किए हैं तो वापस कर लेंगे, और अगर कर लिया है तो आप इसे एज अ क्लास वर्क कम्प्लीट करेंगे। सो एंड नाउ दिस इज टर्न टू टॉक अबाउट दी होमवर्क। तो होमवर्क के बारे में बात करें, तो स्टूडेंट्स अभी आपने इतना पढ़ा, बहुत हमने स्लो लिया, क्योंकि इसलिए लिया क्योंकि बहुत ज़रूरी था आपको अच्छे से समझाना। साइनोनिम्स तो आपको समझ आ गया होगा ना, सेम मीनिंग वाले वर्ड को साइनोनिम कहते हैं, ठीक है। अभी हम मूव करते हैं होमवर्क की तरफ। अब होमवर्क में आपको करना क्या है, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स और नॉर्मल वर्ड्स जो मिडिल वर्ड्स हैं उनको छोड़ दीजिए, फोकस करना है आपको ईजी वर्ड्स में। ये जो ईजी वर्ड्स हैं, लाब, ब्लॉक, डार्क, शाउट, थ्रेड, अननोन, बिगिन, केयर, ये वर्ड को अपनी सेंटेंस में यूज़ करना है। वाक्यों को में प्रयोग हिंदी में पढ़े होंगे ना, आपको वही करना है, वाक्यों में प्रयोग करना, मतलब अपने सेंटेंस बनाने हैं इंग्लिश में और इनको उस सेंटेंस में यूज़ करना है। जस्ट लाइक लाफ, तो व्हेन आई सॉ अ सर्कस आई लाफ्ड अ लॉट, मैं बहुत हंसी, है ना। व्हेन आई सॉ अ कॉमेडी मूवी आई लाफ, वी लाफ अ लॉट, हम सब बहुत हंसे, ऐसा होता है ना, तो हमारा लाफ यूज़ हो गया। वैसे ही ब्लॉक यूज़ करना है, डार्क, और ये आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो जो इजी वर्ड्स हैं इनको एज योर ओन सेंटेंस आपको यूज़ करना है। दिस विल बी योर होमवर्क। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एंड आप ये होमवर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे करें और इसे स्कूल ऐप में सेंड भी करें, ओके। सो स्टूडेंट्स दिस इज सफिशियंट फॉर टुडे, we'll meet in our next class, next video. So till then, stay safe, stay blessed, and be careful. Have a nice day.